हाँ सर, आपका कार्यक्रम रखा हुआ है आपने, कौन कौन? राहुल जी, प्रियंका गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रमोद जी हैं, मोना जी हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं हमारे, तो ये सब लोग आ रहे हैं। तो बस आभार समारोह है, ये कार्यकर्ता आभार समारोह, तो उसी के लिए राहुल जी आ रहे हैं। सर, तस्वीरें जो देखने को मिल रही है यहाँ पर, कांग्रेस के झंडे यहाँ लगे हुए हैं, साथ ही साथ जन आभार की तो बात है ही, सपा भी साथ साथ दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव की प्रेफरेंसेस भी दिखाई दे रही है। वो तो भाई हमारे अलायंस पार्टनर हैं, तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो उनको भी तो रहेंगे ना, वो भी तो। आज उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन 27 में भी रहेगा सर? नहीं, ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये तो हाईकमान का क्वेश्चन है, ये वो बताएंगे। लेकिन सर, उस कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपने आज से नहीं 40 सालों से आप इस इलाके को देखते आ रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं अमेठी का, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा देख रहे हैं, कैसी वापसी हो रही है? ये तो आप देख रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग जितना उत्साह से कार्यकर्ता आ रहा है, शायद उतना हम अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर हमारी चेयर्स बड़ी कम लगी हैं, क्योंकि पहले ये बहुत बाहर होना था कार्यक्रम, तो लेकिन फिर इन हाउस हुआ कि चलो हम मैडम के घर पे बुला रहे हैं सबको, तो इसलिए अंदर इतनी चेयर नहीं, मेरा लगता है बहुत से कार्यकर्ता हमारे बाहर रहेंगे। आप देखिएगा उत्साह है, अरे सब लोग आ रहे हैं, देखिए अपने उससे जो है नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता, रायबरेली की जनता की क्या आवाज सुन रहे हैं आपके, क्योंकि दोनों में से एक सीट पे फैसला? नहीं, देखिए रायबरेली की जनता तो यही चाहेगी कि राहुल जी यहाँ पे रहें, ऐसे मत करो भैया, ठीक है, तो ये है, तो यहाँ की चाहेंगे, मैं पर्सनल भी यही चाहता हूँ कि राहुल जी रायबरेली से रहे, ठीक है। सर, आपका कार्यक्रम रखा हुआ है आपने, कौन कौन? राहुल जी, प्रियंका गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रमोद जी हैं, मोना जी हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं हमारे, तो ये सब लोग आ रहे हैं। तो बस आभार समारोह है, ये कार्यकर्ता आभार समारोह, तो उसी के लिए राहुल जी आ रहे हैं। सर, तस्वीरें जो देखने को मिल रही है यहाँ पर, कांग्रेस के झंडे यहाँ लगे हुए हैं, साथ ही साथ जन आभार की तो बात है ही, सपा भी साथ साथ दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव की प्रेफरेंसेस भी दिखाई दे रही है? नहीं, वो तो भाई हमारे अलायंस पार्टनर हैं, तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, तो उनको भी तो रहेंगे ना, वो भी तो। आज उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन 27 में भी रहेगा सर? नहीं, ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये तो हाईकमान का क्वेश्चन है, ये वो बताएंगे। लेकिन सर, उस कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपने आज से नहीं 40 सालों से आप इस इलाके को देखते आ रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं अमेठी का, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा देख रहे हैं, कैसी वापसी हो रही है? ये तो आप देख रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग जितना उत्साह से कार्यकर्ता आ रहा है, शायद उतना हम अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर हमारी चेयर्स बड़ी कम लगी हैं, क्योंकि पहले ये बहुत बाहर होना था कार्यक्रम, तो लेकिन फिर इन हाउस हुआ कि चलो हम मैडम के घर पे बुला रहे हैं सबको, तो इसलिए अंदर इतनी चेयर नहीं, मेरा लगता है बहुत से कार्यकर्ता हमारे बाहर रहेंगे। आप देखिएगा उत्साह है, अरे सब लोग आ रहे हैं, देखिए अपने उससे जो है नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता, रायबरेली की जनता की क्या आवाज सुन रहे हैं आपके, क्योंकि दोनों में से एक सीट पे फैसला? नहीं, देखिए रायबरेली की जनता तो यही चाहेगी कि राहुल जी यहाँ पे रहें, ऐसे मत करो भैया, ठीक है, तो ये है, तो यहाँ की चाहेंगे, मैं पर्सनल भी यही चाहता हूँ कि राहुल जी रायबरेली से रहे, ठीक है।